बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत पूरी होने पर राउत रेवेन्यू कोर्ट लाया गया। यहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान के कविता ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने पीएमएलए की धारा 19(2) के अनुपालन से संबंधित दस्तावेजों को एक सीलबंद कवर रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। वहीं के कविता के वकील ने कोर्ट से ईडी द्वारा सील कवर लिफाफे में पेश किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण करने की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया। कोर्ट इन दलीलों को अपने रिकॉर्ड के लिए के कविता द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर ईडी ने कहा है कि पिछली तारीख पर ही हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस स्टेज पर उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहता है तो इसके लिए जवाब दाखिल करने का हमें भी समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपको जवाब दाखिल करने के लिए कितना समय चाहिए। ईडी ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम एक हफ्ते का वक्त लगेगा। मंगलवार को अदालत के फैसले के बाद की कविता को शराब घोटाले के मामले में जेल भेज दिया गया। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के कारण अदालत ने के कविता को 9 अप्रैल तक जेल में रहने का आदेश दिया। Not a money laundering case, it is a political laundering case. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. And third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. Jai Telangana.